जो उन्हों की डाक के 14,000 के लगभग तो पहले पंजाब चो पंचायतों के जोड़े ग्राम सभा के मते गए तो उन्होंने कितने ना कि पता लगू कि असी पता नहीं कि इनक ला के एक बिल पास कर बैठे जिद कदों लोगों ने देश के लोगों ने कहा जी नोटबंदी कर दो नहीं तो बहुत खत्म हो जाएंगे सिखा कदों लोगों ने स्टेटा ने कहा कि GST ले आओ नहीं असी मारे जावे कदों कहा कि NRC का कानून ले आओ ये सरकार कानून बनाती है बाद सड़कों पर लोग पुतले लैके मुर्दाबाद के नारे लेके आते हैं ये सरकार किनू पुछती है सिर्फ पूंजीपतियों को ਇਹਦਾ ਜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 21 ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ 18 ਦਿਨ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ 21 ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਕਰੋਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ A+ ਟੀਮ ਹੈ केंद्र सरकार वालों जारी किए गए खेती बिलों नूं रद्द करवाउण लई जिथे किसानां वालों संघर्ष जारी है उथे सियासी पार्टियां भी किसानां दे हक विच उतरदियां दिखाई दे रहियां हन जिसके चलदे आम आदमी पार्टी दे पंजाब प्रधान भगवंत मान लुधियाने पहुंचे जिथे उन्होंने मोदी सरकार ते खूब निशाने साधे उथे उन्होंने कहा कि पंजाब भर दियां पंचायतां बिल दे खिलाफ एक मता पास करके पंचायत मैंबर ते ब्लाक प्रधान ते एक कापी SDM नूं देण उन्हां कहा कि जदों पंजाब भर दियां 14,000 पंचायतां दे मते प्रधानमंत्री कोल जाणगे तां उन्हां नूं मजबूर हो के इह बिल वापस करना पवेगा इस दौरान उन्हां पंजाब दी कांग्रेस ते अकाली दल पार्टी ते खूब निशाने साधदे होए कहा कि इह दोवें पार्टियां किसानां दे हक विच नहीं हन सिर्फ अपने सियासी भविख नूं बचाउण लई चाला चल रहियां हन तुसीं कहता दसता पर इहदी कानूनी मानता नहीं तो वीडियो भी रद्द कर सकदा कार्रवाई पंचायत दे कार्रवाई रजिस्टर दे विच नोटिस देना सरपंच ने कि असी इन्नी तरीक नूं अपने पिंड दी ग्राम सभा बुला रहे हां ते उस तों बाद जो ग्राम सभा दा फैसला होगा उहनूं भी कार्रवाई रजिस्टर दे विच पाउणा है उहदी इक कॉपी पंचायत सैकटरी नूं इक ब्लॉक डिवेलपमेंट अफसर नूं ते इक SDM नूं SDM नूं तुसीं उहदी कॉपी दे के नाल मंग पत्र भी दे सकदे हो इस तरह दे लैटर पैड ते कि इह जिहड़ा साडा मता है ये प्रधानमंत्री तक या राष्ट्रपति तक पहुँचाया जाए जो उन्होंने डाक के 14,000 के लगभग तो पहले पंजाब चो पंचायतों के जोड़े ग्राम सभा के मते गए तो उन्होंने कितने ना कि पता लगू कि असी पता नहीं कि इनक ला के एक बिल पास कर बैठे जिद बार बार मोदी सरकार साडी सरकार थोड़ी अपनी सरकार जां फिर 3 महीने बिलों बारे के बिल बहुत वधिया ने समझाउंदे के रहे जदों देखो जी प्रधानमंत्री जी पूंजीपतियों लई काम करदे ने कदों पूरे देश दे विच कदों प्रदर्शन होए किसानां ने मंग पत्र दित्ते जां किसान सड़कां ते आए कि इहो जिहा कानून बनाओ नहीं तो असीं मारे जावांगे कदों होए असीं नो कानून बनन तों बाद लोग सड़कां ते आउंदे आ कदों लोगों ने देश के लोगों ने कहा जी नोटबंदी कर दो नहीं तो बहुत खत्म हो जाएंगे सिखां कदों लोगों ने स्टेटा ने कहा कि GST ले आओ नहीं असी मारे जावांगे कदों कहा कि NRC का कानून ले आओ ये सरकार कानून बनाती है बाद सड़कों पर लोग पुतले लैके मुर्दाबाद के नारे लेके आते हैं ये सरकार किनू पुछती है सिर्फ पूंजीपतियों को बदकिस्मती की गल है कि इतिहास कदे नहीं होया कि जो प्रधानमंत्री अपने मुल्क का किसी विदेश के दौरे पर जाता वो व्यापारी जाते हो उस जहाज हाँ उत्थे कोई मिल जाए अलग गल है नाल जाते रहे प्रधानमंत्री जेडे ने वह कानून मतलब जेडे पूंजीपति ने उन्होंने प्रतिनिधि बन के काम कर रहे हैं इस करके जोड़ा विरोध हो रहा नहीं है मैं तो यह भी कहा पार्लीमेंट से तुम ए करो पंजाब के हरियाणा का प्रोक्योरमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर साडा बहुत वधिया MSP इतने मिलती है इस करके बाहरले सूबे तो भी अपना फसल बेचना आते हैं तुम पंजाब के हरियाणा में छड्ड लो बाकी मुल्क के क्रांति लिया के दिखा दो उदा साढ़े गल कर लियो यही कानून APMC इन्होंने उत्थे रद्द करके देखा
बिहार च फ्लॉप हो गया। देखो पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने नूं कहिंदी है, इस तो पहला पंजाब सरकार ने कदे भी पंजाब का जिहड़ा पक्ष है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट च वधिया तरीके नाल नहीं रखिया। जिहड़े साडे एडवोकेट जनरल ने अतुल नंदा जी, उन्होंने को 30-35 वकीलों की टीम है, एक केस दिखा देना जिहड़ा जित के दिखाया होवे। सो इस करके जिहड़े जिहड़े भी जथेबंदियां जाना चाहुण जां कोई भी वो अपने बिहाफ से जायो, सरकारां ते यकीन ना करो, आपस च रले हुए ने, ये उत्थों कहना हाँ करा लेंगे फिर आपां किसे जोगे नहीं रहना। है जी किसानों ने कहा कि 2 घंटे की मीटिंग जी बेनतीजा रही है, नतीजा तो कोई निकले ही नहीं। देखो विरोध करने के तरीके होर है शांतमय तरीके ने, पर ट्रैक्टर जिहड़ा साड़न का जिहड़ा तरीका आम आदमी पार्टी भी इस जिहड़े तरीके का हमायत नहीं करती, क्योंकि ट्रैक्टर नूं तां पुत कहा जांदा है किसान का, किसान अपने पुत नूं अग थोड़ी लाऊगा, आपदे आपदे शरीर ते कष्ट झल रूगा पर आपदी आपदी आपदे पुत पुत्तियां नूं जां आपदी औलाद नूं थोड़ी दुखी होण देऊगा, औलाद वास्ते फिरदा। तरीके होर बहुत ने, पर इहनूं मैं स्टंट कहूँगा। स्टंट है कि उही ट्रैक्टर शंभू बार्डर ते नहीं फुकिया, ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਚੀਪ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਰੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਅਟਲ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਬਦਲੂਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਤਾ, ਦੱਬ ਲਿਆ ਜੀ। NRC ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੱਬ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 2022 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਈ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ MP MLA ਕਿਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਇਆ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵਰਤ ਲੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਝੰਡਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਉ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ।
मैं गया सी भवानीगढ़, मैं उत्थे जाके बह के आया। मैं उन्होंने कहा कि जिथे सानू बोलन वास्ते भेजा सी ते जिथे साडा बोलना फर्ज बनता सी उत्थे बोलिया है। हुण जदों लोग ही बोलन लगे फिर लीडर नूं बोलन दी की लोड़ है? वधिया गल है, इस दा सपोर्ट करदे आं इस गल दी। जिथे भी कहणगे नॉन क्रिटिकल रखना चाहिए, मैं उन्होंने बेनती करदा इह नॉन क्रिटिकल रखो। और जे कोई चाहिए असी कोई, जे कोई नुमाइंदा उन्हां दा कोई MLA जां कोई आके बहिंदा बिना किसी स्वार्थ तो बिना किसी लालच तो आके उन्होंने संघर्ष के शामिल होकर चले जाए। कलाकार भी बहुत सारे आए हैं। देखो जी, पोलिटिकल माहौल छड़ दो, जो लोगों के डर का माहौल बनया हुआ है, कोरोना तो शायद उन्ना डर नहीं लग रहा किसानों जिन्ना उन्होंने अपनी जमीना खुसन तो या आ जो आर्डिनेंस आए हैं काले कानून उन्होंने तो डर लग रहा है। सो इस करके ये कुछ भी राजनीतिक ना सोचो। फिलहाल तो यह है कि जे एक मैं फिर कहना कि जे किसान बचूगा तो दुकानदार बचूगा, आड़ती बचूगा, मुनीम बचणगे। राजनीति किन्ना ते करोगे जो सारा सर्कल ही तोड़ता, जो थोनू पता ही ना लग्या कि बड़े बड़े सैलों के विचों किमें जिहड़ा है वह अनाज पंजाब का कित्थे नू जा रहा है, किमें जिहड़ी इकनोमिक्स का रूल है मोर सप्लाई लैस डिमांड, लैस सप्लाई मोर डिमांड, वरत के जो मर्जी महंगाई घटा लेंगे, जो मर्जी महंगाई वधा लेंगे, सारा कुछ जो गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल ही खत्म करके उन्होंने बयान आया अज्ज ये बेवकूफ बना रही पार्टियां सानू BJP दूजा किसानों के नाम रही है। ट्रैक्टर चलाना भी बड़ा गलत है और जिहड़ा असीं कानून लियांदा नोटबंदी वेले भी कहें 50 दिन दे दौ कमाल हों देखो, जी कहें 100 दिन च काला धन आऊगा, जी कहें 21 जी महाभारत की जंग है 18 दिन जीती गई सी, कोरोना नाल जंग 21 दिन जित लांगे, हो गया खत्म कोरोना। 20 अक्तूबर के नेड़े तेड़े मतलब नंबर 1 ते आ जाएंगे जिहड़े कोरोना के नाल पॉजिटिव ने। सो प्रधानमंत्री जी दी गल्लां ते लोगों यकीन नहीं रहा, वो जिहड़ियां जुमलेबाजियां BJP दी उह सामने आ चुकियां ने। आही गल 2 महीने अकाली दल कही गया कि गुमराह कर रहे ने जी, आम आदमी पार्टी किसानों की बी टीम है, किसान यूनियन फलानियां दी बी टीम है, हुण सुखदेव सिंह ढींसे नूं BJP दी बी टीम दसी जांदे आ, उह तां AB ते लगे होए ने। आम आदमी पार्टी ना किसी की AT है ना BT है, ये आम लोगों के पंजाब के लोगों के संघर्षी लोगों के संघर्ष वास्ते A+ टीम है। अगर तुहानू मानसा साहब दी सीट ते बिठा दिता जावे, ये तो क्लीयर कट पंजाब की जनता भी ये शो कर रही है कि उनका किसी भी राजनीतिक दल दे विच हुण जिहड़ा यकीन खत्म हो गया। नहीं जी, नहीं ये उन्हां दा, ये बहुत सारे पहलां भी धरने इस तरह के लगते रहे हैं जिहदे विच ओह कहिंदे रहे ने, असीं भी जांदे रहे हां उत्थे, असीं कल्ला राजनीतिक तौर पर थोड़ी, मैं किसान के तौर पर भी तो हाँ, मेरी भी जमीन है स्तौज पिंड च, तो मैं भी तो वो ही आऊँगा ना। सो इस करके मैं किसान के तौर पर इतने धरने शामिल होऊंगा जिथे मैं बुलाएंगे, कोई मैं भाषण देने का कोई मैं माइक की मैं कोई फोबिया नहीं है, जिथे मैं बोलने वास्ते भेजा उत्थे मैं बोल के आया, डट के बोल के आया, तुम सारे ने सुने। सो इस करके आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद च है, पहला आम लोगों के हकों च है। इस करके 2022 पता नहीं की वह बाद देखांगे, पहला पंजाब की किसानी पंजाब की जवानी उन्हूं बचाउण दी लोड़ है। आम आदमी पार्टी जिथे उन्हूं कहणगे चाहे विधानसभा च चाहे सड़कां ते चाहे लोक सभा च, असीं लोकां दे संघर्ष दा साथ देवांगे। Now even Punjabi launched a newspaper, The Power of Words. Now you check out all our daily updates on our website www.evenpunjabi.com and all updates on our social networks, Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Thank you.